नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इस क्लास में। मैं बलराम कसाना, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। इससे पहले हमने चर्चा की एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, यानी कि निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। आज हम उसके बाद में चर्चा कर रहे हैं डेविड रिकार्डो के द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत, यानी कि कंपेरेटिव थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज। तो ये जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, उस पर एक सुधार के रूप में देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शास्त्रीय सिद्धांत लोकप्रिय रूप से तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह 1815 में डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तुलनात्मक लागत लाभ के संदर्भ में शास्त्रीय दृष्टिकोण, जैसा कि रिकार्डो द्वारा दिया गया है, मूल रूप से बताना चाहता है कि व्यापार द्वारा कैसे देश लाभान्वित होते हैं और ये लाभ किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और क्यों प्राप्त करते हैं। तुलनात्मक लागत लाभ का विचार रिकार्डो द्वारा एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत लाभ के सिद्धांत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्षेत्रीय विशिष्टीकरण के द्वारा समझाने में विफल होने पर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिया गया है। रिकार्डो का सिद्धांत क्या कहता है ये वाला? तो रिकार्डो ने कहा कि अन्य चीज़ें समान होने पर एक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करने और निर्यात करने की ओर अग्रसर होता है जिनके उत्पादन में उसे अधिकतम तुलनात्मक लागत लाभ या न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। सरकार देश का आयात जो होगा अपेक्षाकृत कम तुलनात्मक लागत लाभ या अधिक तुलनात्मक हानि वाले सामानों का होगा। तो क्लियर कट बात है कि जिन वस्तु के उत्पादन में उसको तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है उनका वो निर्यात करेगा और उनका विशिष्टीकरण करेगा उत्पादन में, और जिनमें उसको हानि है उसका उत्पादन नहीं करके और दूसरे देश उसे आयात करेगा। तो रिकार्डो का जो मॉडल है उसको समझाने के लिए उसने अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसको हम निम्न तरीके से देख सकते हैं। तो उन्होंने माना है कि दो देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और एक उत्पादन का साधन श्रम है। इसके बाद में और कुछ मान्यताएं ली हैं जो निम्नानुसार हैं। पहली मान्यता है कि उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, ठीक है, यानी कि एकमात्र साधन ही इसमें उपयोग होता है दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, वो है श्रम। दूसरा है उत्पादन की लागत को संलग्न श्रम इकाइयों के संदर्भ में मापा जाता है, यानी कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है उसको मानते हुए चला गया है कि केवल उत्पादन की लागत है उसमें लगने वाले श्रम के मूल्य पर निर्भर करती है। ओनली श्रम एक देश के भीतर पूरी तरह से गतिशील है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णतः अगतिशील है, यानी कि श्रम की आंतरिक पूर्ण गतिशीलता की मान्यता ली गई है। श्रम की सभी इकाइयाँ समरूप है, यानी कि जो भी श्रमिक हैं वो सभी समान क्षमता वाले हैं। इसके अलावा अप्रतिबंधित या मुक्त व्यापार है, विभिन्न देशों के बीच में फ्री ट्रेड है। इसके अलावा पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लिया गया है। और एक है पूर्ण रोजगार संतुलन, यानी कि उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः नियोजित हैं और एक पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी कि चाहे श्रम बाजार हो चाहे से वस्तु बाजार हो, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इन मान्यताओं के तहत मान लें कि दो देश हैं ए और बी और दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं दोनों देश एक्स और वाई का। अब तुलनात्मक लागत अंतर को समझना चाहें तो उसको हम नीचे दिए गए एक उदाहरण के माध्यम से, जिसमें काल्पनिक डेटा लिया गया है, उसके अनुसार समझ सकते हैं। निरपेक्ष लागत अंतर, जिसमें कहा गया है, एडम स्मिथ ने बताया कि अगर निरपेक्ष लागत अंतर विद्यमान है तो एक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट होगा या विशेषज्ञ होगा जिसमें उसे निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को हम नीचे दी गई तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि प्रति इकाई एक्स और वाई की उत्पादन में लगने वाली श्रम इकाइयों की संख्या के रूप में नीचे दिया गया है, यानी कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु के उत्पादन में कितनी एक इकाई उत्पादन में कितनी श्रमिकों की संख्या लगानी पड़ेगी। तो ए देश में एक्स वस्तु के एक इकाई के लिए 10 इकाइयाँ लगानी पड़ती है तो था वाई वस्तु के लिए 20 इकाइयाँ लगानी पड़ती है। तो घरेलू विनिमय दर एक्स और वाई की हो जाएगी एक एक्स बराबर 0.5 वाई। इसी तरीके से बी देश में एक्स वस्तु की एक इकाई पैदा करने के लिए 20 श्रमिक लगाने पड़ते हैं और वाई की एक इकाई के लिए 10 श्रमिक ही लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ एक एक्स है वो 2 वाई के बराबर हो जाएगा घरेलू विनिमय दर। लेकिन तुलनात्मक लागत अनुपात देखें एक्स वस्तु का ए और बी कंट्री के बीच में, तो 10/20 यानी कि 0.5 का है यहाँ पे, जबकि वाई वस्तु का देखें तो वो आ रहा है 20/10 यानी कि 2 का। तो एक्स वस्तु का किसके पक्ष में जा रहा है, यानी कि लागत जो है वो मिनिमम किसके लिए है, ए कंट्री के लिए है एक्स वस्तु की, और बी वस्तु की देखें तो वाई वस्तु की देखें तो वो बी के पक्ष में जा रहा है। तो उपरोक्त से निष्कर्ष निकलता है कि देश ए को देश बी की तुलना में एक्स के उत्पादन में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है,
जबकि देश बी को ए देश ए की तुलना में वाई का उत्पादन करने में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है। इस स्थिति में जब व्यापार होता है तो ए उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और अपने अधिशेष को बी को निर्यात करेगा, और बी जो है वाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और अपने अधिशेष को जो उसके पास सरप्लस पैदा होगा उसको ए को निर्यात करेगा। तो ये हो गया निरपेक्ष लागत अंतर वाला। अब हम देखते हैं समान लागत अंतर वाला। रिकार्डो का तर्क है कि यदि समान लागत अंतर विद्यमान होता है तो व्यापार और विशिष्टीकरण किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में कोई भी देश विशिष्टीकरण की तरफ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा। तो इसको हम समझते हैं नीचे दी गई एक तालिका के माध्यम से। तालिका में देखते हैं अपन प्रति इकाई एक्स और वाई उत्पादन की लागत श्रम की इकाइयों के रूप में। तो देख रहे हैं यहाँ पे दूसरी स्थिति है, ये पहले वाला डेटा नहीं है, इसमें डेटा चेंज है। तो एक्स वस्तु की एक इकाई बनाने के लिए ए देश में 10 इकाइयाँ लगानी पड़ती है श्रमिकों की, और वाई वस्तु की एक इकाई के लिए ए देश में 20 इकाइयाँ लगानी पड़ती हैं। तो घरेलू विनिमय दर यहाँ पे पहले की तरह 1x के लिए 0.5y दिया जाएगा, लेकिन बी देश में यहाँ पे चेंज कर दिया है डाटा। तो वो है कि बी देश में एक्स वस्तु की एक इकाई उत्पादित होती है 15 इकाइयों में श्रम के, और वाई वस्तु की एक इकाई होती है बी देश में 30 इकाइयों में श्रमिकों की। तो यहाँ स्थिति देखेंगे अपन, तो घरेलू विनिमय दर देखें आप, यहाँ पे 1x के लिए 0.5y यहाँ पे वापस आ गया है स्थिति में। तो यहाँ पे दोनों की विनिमय दरें समान हैं। अब तुलनात्मक लागतों का देखते हैं, तो 10/15 एक्स वस्तु के लिए और बी का अनुपात निकाला तो 0.66 आया, 2/3 आ रहा है। इसी तरीके से वाई वस्तु का भी देखा तो 2/3 आ रहा है, 0.66 आ रहा है। तो दोनों वस्तुओं में जो है तुलनात्मक लागत अनुपात जो है वो समान आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पे किसी भी देश को कोई लाभ नहीं है, किसी भी देश का लागत अंतर जो है वो अलग अलग नहीं है, दोनों वस्तुओं के लिए लागत अंतर समान है। तो समान लागत अंतर के कारण दोनों देशों के लिए दोनों वस्तुओं में तुलनात्मक लागत अनुपात समान है, इसलिए विशिष्टीकरण के लिए कोई भी कारण यहाँ विद्यमान नहीं है। तो दोनों देशों के बीच में कोई विशिष्टीकरण नहीं होगा और कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने में ये सिद्धांत असफल रहता है। अब बात करते हैं तुलनात्मक लागत अंतर की, जहाँ पे तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है। तो यही मेन बात है जो इस सिद्धांत को, जिस पर यह सिद्धांत आधारित है। तो रिकार्डो ने जोर दिया कि सभी परिस्थितियों में यह तुलनात्मक लागत लाभ है जो विशिष्टीकरण और व्यापार का कारण बनता है। तो इस सिद्धांत में जो बात करते हैं वो मेनत है तुलनात्मक लागत अंतर की, जिसको हम निम्न तालिका से समझेंगे। तालिका में फिर से वही दिखाया गया, प्रति इकाई एक्स और वाई वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम इकाइयों की संख्या के रूप में। तो देश ए जो है वो एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए 10 श्रम इकाइयों का उपयोग करता है और वाई वस्तु की एक इकाई के लिए 20 श्रम इकाइयों का। तो इसमें घरेलू विनिमय दर वही पहले वाली रहेगी, 1x के लिए 0.5y दिया जाएगा। देश बी में देखें तो स्थिति अलग हो गई है। अब यहाँ पे एक्स वस्तु की एक इकाई के लिए 15 श्रमिक इकाइयाँ और वाई वस्तु की एक इकाई के लिए 25 श्रमिक इकाइयाँ लगाई जा रही हैं। तो यहाँ घरेलू विनिमय दर एक्स के लिए 0.6y हो जाएगा। अब तुलनात्मक लागत अनुपात देखें एक्स वस्तु के लिए, तो 10/15 यानी कि 2/3 0.6 का हो गया यहाँ पे। तो और वाई वस्तु में देखें तो 20/25 यानी कि 4/5 का आ गया यहाँ पे, तो वो हो गया 0.8। तो यहाँ ये स्थिति साफ नज़र आ रही है कि जो दोनों वस्तुओं में है वो एक्स और वाई दोनों वस्तुओं में ए को तुलनात्मक लागत लाभ है, लेकिन ज़्यादा किस में है वो है एक्स वस्तु में। ए कंट्री जो है दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त रखता है। तो ये स्थिति हमारे सामने तुलनात्मक लागत लाभ वाली है। तो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि देश ए को वस्तु एक्स और वाई दोनों में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, हालांकि ए को एक्स के उत्पादन में बी की तुलना में तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त जो है वो अधिक है। इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से देश ए में 1 यूनिट एक्स के उत्पादन में शामिल श्रम की लागत देश बी में 1 यूनिट एक्स के उत्पादन में शामिल श्रम की लागत का केवल 0.66 है प्रतिशत है, जबकि 1 यूनिट वाई वस्तु के लिए देश बी में 1 यूनिट वाई वस्तु के उत्पादन में शामिल जो श्रम लागत का है 80% है। तो कम श्रम की दर लग रहा है एक्स वस्तु में, ए देश में एक्स वस्तु के उत्पादन में 66% ही लगाना पड़ रहा है बी की तुलना में, जबकि उधर जो वाई वस्तु है उसमें 80% लगाना पड़ रहा है बी की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में कम श्रम लगेगा वो उसके लिए सस्ती पड़ेगी, तो वो है एक्स वस्तु। तो सस्ता उत्पादन एक्स वस्तु का ए देश में और बी वस्तु का बी देश में वाई वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त होगा। तो तुलनात्मक लागत को जानने के लिए हमें दोनों देशों में एक वस्तु के उत्पादन की लागत के अनुपात की दोनों देशों में अन्य वस्तु के उत्पादन की लागत के अनुपात के साथ तुलना करनी होती है।
जैसे कि हमारे उदाहरण में x के मामले में पहले हमने किया 10/15 और y के मामले में 20/25। तो ये दोनों अनुपात हमने चेक किए और उनका अगर अंतर डिफरेंस है तो वो है तुलनात्मक लागत लाभ वाला। बीजीय गणित के रूप में इसको निम्न रूप में देख सकते हैं कि यदि देश ए में वस्तु एक्स की श्रम लागत जो है वो एक्स ए है और वाई वस्तु की श्रम लागत है एक्स वाई ए, और इसी प्रकार देश बी में वस्तु एक्स की श्रम लागत एक्स बी और वस्तु वाई की श्रम लागत वाई बी है, तो लागत में निरपेक्ष अंतर को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन वन एंड लेस देन वाई ए बाई डिवाइड बाई वाई बी। तो यहाँ ये दिख रहा है कि जो एक्स वस्तु का अनुपात है वो एक से छोटा होगा और वाई वस्तु का अनुपात है वो एक से बड़ा होगा। तो अगर दोनों में एक का अंतर एक एक तो एक से बड़ा और एक एक से छोटा हो तो उस स्थिति में निरपेक्ष लागत अंतर पाया जाता है, और जिस वस्तु के लिए एक से कम होगा उसका मतलब होता है जैसे एक्स ए जो है एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी है वो एक से कम है, तो यहाँ एक्स वस्तु में एक कंट्री को निरपेक्ष लाभ होगा और दूसरी वस्तु में दूसरे कंट्री को निरपेक्ष लाभ होगा। अब लागतों में तुलनात्मक अंतर को व्यक्त करने के लिए बीजगणितीय विधि में जिस तरीके से यूज करेंगे कि एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी इज स्मॉलर देन वाई ए डिवाइड बाई वाई बी एंड स्मॉलर देन वन, तो ये दोनों जो अनुपात होंगे एक से कम होंगे, तो इस स्थिति में जो है एक कंट्री को दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, लेकिन जो वाला बड़ा होगा या जो छोटा होगा यानी कि एक्स वस्तु के मामले में जो एक्स वस्तु का अनुपात है वाई से छोटा है, इसलिए एक कंट्री को एक्स वस्तु में तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त होगा। यही हमने यहाँ लिखा है कि देश ए को देश बी पर वस्तु एक्स और वाई दोनों में निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, लेकिन वाई की तुलना में एक्स में उसका तुलनात्मक लाभ अधिक है। हालांकि अगर एक समान लागत अंतर आ जाए यानी कि एक्स एड इजिकल टू हो जाए वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, तो उस स्थिति में लागत अंतर समान हो जाएगा और वो व्यापार व विशिष्टीकरण की ओर नहीं जाएगी, जैसा हमने पहले बात करी थी। तो चूंकि हमारे उदाहरण में जो लास्ट वाला हमने देखा तुलनात्मक लागत अंतर वाला, वहाँ है कि देश ए को वस्तु एक्स में तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है, तो रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार इस देश को एक्स में विशिष्टीकरण करना चाहिए और अपने अधिशेष को वाई के बदले में देश बी को निर्यात करना चाहिए। इसी प्रकार देश बी को वस्तु वाई में कम तुलनात्मक लागत हानि है, अतः रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार देश बी को वाई में विशिष्टीकरण करना चाहिए और इसका जो सरप्लस है उसको एक्स के बदले में देश ए को निर्यात करना चाहिए। तो ये हमारा इस सिद्धांत का जो मूल भावना है वो मूल तत्व है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।